ठंड की शुरुआत भले ही अभी ठीक से ना हुई हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण की चिंता सताने लगी है। कई जगहों पर देखा गया है कि वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। आखिर क्या है इसके पीछे कारण और क्यों बढ़ता है इसी समय? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर मेहमान है इन्वायरमेंट एक्सपर्ट मनु सिंह जी। मनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत धन्यवाद तरुण जी। और जैसा कि आपने पूछा ही है कि हर वर्ष यही होता है कि शीत ऋतु के आगमन से पहले ही हम आसपास जो है पूरा जो उत्तर भारत का इलाका है, खासकर दिल्ली और एनसीआर का, वो एक तरह से गैस चेम्बर में परिवर्तित हो जाता है। ये और इतना खतरनाक हो जाता है क्योंकि वायु प्रदूषण जो है उसका स्तर एकदम गिर जाता है, AQI बहुत खराब हो जाती है, PM2.5, PM10 जैसे गलघोटू प्रदूषक पूरी तरह वायु में फैल जाते हैं। अब इसके कई प्राकृतिक कारण हैं और कई मानव केंद्रित कारण हैं। प्राकृतिक कारण जो है वो होता है कि इस समय जो हवा का आवागमन है, जो गति है वायु की, वो एकदम नगण्य हो जाती है। इसे अंग्रेजी में एयर डोल्ड्रम इफेक्ट कहते हैं। जब वायु का आवागमन बंद हो जाता है तो होता क्या है कि प्रदूषक जो है वो इधर उधर, उनकी सफाई नहीं हो पाती, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, वो वहीं के वहीं ठहरे रह जाते हैं। ये इसका प्राकृतिक कारण है। लेकिन इसी इलाके में ऐसा क्यों होता है, उसके मानव केंद्रीय कारण क्या है? एक तो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली एनसीआर के आसपास जो हमारी जनसंख्या का घनत्व है वो विश्व में सबसे अधिक है। अब विश्व की अन्य राजधानी, बड़ी राजधानियों पे आप गौर डालें तो आप पाएंगे कि वो समुद्र के किनारे होती हैं अधिकतर, जिससे होता क्या है कि दिन में और रात में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, यानी जो प्रदूषक हैं वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व भी है और इस समय शीत ऋतु के आगमन से पहले प्रदूषक डिस्पर्स नहीं हो पाते, इसलिए गैस चैम्बर बन जाता है। दूसरा, हम देखते हैं कि इसी दौरान सारे निर्माणाधीन कार्यों को शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ शुभ मुहूर्त चल रहा होता है। तो हम देखते हैं कि निर्माणाधीन कार्य भी तेजी से बढ़ते हैं, जिससे डस्ट, धूल बहुत ज्यादा बढ़ती है। तीसरा, यही वो समय होता है जब किसान पराली जलाते हैं, और पराली जलाना एक मुख्य कारण होता है वायु में प्रदूषकों के बढ़ने का। चौथा, इसी समय उत्तर भारत में पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली दशहरे के अवसर पर, वो भी एक बड़ा कारण बन जाते हैं। और इस समय जैसे धीरे धीरे सर्दी आती है, जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को गर्म रखने के लिए आग का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो भी प्रदूषकों में बढ़ोतरी करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि जो वाहनों द्वारा उत्सर्जन है वो तो बढ़ ही रहा है और उसकी वजह से तो प्रदूषक बढ़ ही रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी सर्दी की शुरुआत भी नहीं है। अक्सर यही देखा जाता है कि हर साल जब सर्दियां मिडिल में आ जाती हैं उस समय प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। इस बार क्या लगता है कि अभी शुरुआत हुई है और कई जगहों पे जो प्रदूषण है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, उसका मुख्य कारण क्या लगता है आप? जी, इस बार वैसे अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम कोविड वाले वर्षों को हटा दें, तो उन 2 वर्षों को हटा दें तो उसके अलावा जो बाकी वर्ष हैं, तो तुलनात्मक दृष्टि से अभी इतना खराब स्थिति नहीं हुई है जितने पिछले सालों में रहती थी। उसका एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण यह है कि इस बार मानसून को जाने में देरी हुई है, और क्योंकि जाने में देरी हुई है तो वायु का आवागमन जो है वो चलता रहा, और उस वजह से प्रदूषक इकट्ठे होकर एक तरह से जो गैस चेंबर वाली स्थिति है उस स्थिति में नहीं पहुंचे। दूसरा, सरकार भी चेती है और सरकार ने भी पहले ग्रैप लागू किया, डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया। यूपी और हरियाणा की सरकार को खास तौर पे मैं साधुवाद दूंगा। हालांकि शुरुआत में तो पराली जलाई गई, लेकिन यूपी की सरकार ने तुरंत उसमें एक्शन लिया
और वहां पर तो ये तक ऐलान कर दिया गया कि जो किसान पराली जलाएगा उन पे FIR तक दर्ज होगी, उन पे दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसके लिए सरकार को साधुवाद देना चाहिए। तो पराली जलाने की घटनाओं में भी हमने देखा कि शुरुआती दौर के अलावा उसके बाद कुछ कुछ वहां पे एक तरह से कंट्रोल किया। साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे दिल्ली शहर में भी, और जहां धीरे धीरे प्रगति पहुंच रही है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मात्रा बढ़ रही है, उसके पे भी वाहनों द्वारा जो उत्सर्जन है उस पर फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाते हुए एकदम पटाखों के ऊपर, जो नॉन ग्रीन पटाखे हैं उनके ऊपर जो ब्लैंकेट बैन लगा दिया है, उस वो एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि दिवाली के शुरू होने के बाद वायु का जो AQI है, गुणवत्ता का स्तर है, वो ठीक ही नहीं हो पाता था पहले। तो ये सब जो कदम सरकार ने उठाए थे उसकी वजह से भी कुछ असर दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें और काम करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। मनु जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वो पराली जलाना होता है। पराली क्योंकि दिल्ली के आसपास जितने भी राज्य हैं, खासकर हरियाणा और पंजाब की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, तो पड़ोसी उसका एक मुख्य कारण बनते हैं जो सरकार कहती है। इस बार क्योंकि सरकार भी सचेत है, सरकार की तरफ से भी लगातार हम देख रहे हैं कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी से क्योंकि कई जगहों पे जो देखा जा रहा है वो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो अभी से ही कुछ खराब श्रेणी में पहुंच गया है कई जगहों पर। देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा कारण पराली का है। पराली भी अगर हम देखें तो पूरे देश की 50% पराली अकेला पंजाब जला, और पंजाब में वो प्रभाव जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है। जबकि मैं तो इस मामले में, जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पिछले 5-6 साल उन्होंने इस बात पे उंगली उठाई थी कि पंजाब और हरियाणा में उनकी सरकार नहीं है तो समन्वय नहीं बैठ पाता। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अब भी कैसे समन्वय नहीं बैठ पा रहा है और अब भी कैसे इतनी ज्यादा घटनाएं पराली जलाने की हुई है। हरियाणा में भी और अच्छा हो सकता था, हालांकि हरियाणा में हम देख रहे हैं रोहतक और जींद के आसपास के जो किसान हैं वो सड़क के किनारे पराली को इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर भाग जा रहे हैं ताकि पकड़ में ना आ पाए और दंडात्मक कार्रवाई उन पर हो पाए। अब इसका एक ही सुझाव मैं दे सकता हूं कि मशीनों, अगला सवाल यही था आपसे कि ये जो सब चीजें हो रही है, सरकार भी मुस्तैद है एक तरीके से कहें, और क्या कुछ सुधार अभी और किए जा सकते हैं? एक तो सबसे पहले अभी भी पराली तो है ही, सबसे बड़ा कारण जो होता है वो वाहनों द्वारा उत्सर्जन होता है। तो धीरे धीरे कम से कम गवर्नमेंट और कमर्शियल व्हीकल्स को तो हमें ईवी मॉडल यानी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पे डाल देना चाहिए। सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण में भी उससे हमें निजात पाने का मौका मिलेगा। दूसरा, पराली का जो सरकार का तरीका है उसमें एक चेंज ये लाना चाहिए कि उसको डिकम्पोज करके खाद बनाई जा सकती है। तो किसानों को आप मशीनें बेचें, उससे अच्छा आप किसानों से पराली खरीद लें, उसको डिकम्पोज करके खाद बनाएं और उस बायो खाद को वापस आप किसानों को दें। ये पहल सरकार को उठानी चाहिए। सरकार दंड पे जाती है, उससे पहले सरकार को क्या करना चाहिए कि पराली को ही ले लेना चाहिए किसानों से और एक तरह से उसका कुछ मुआवजा देना चाहिए या उसका कुछ दाम देना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसान पराली जलाना बंद। तो ये साथ ही साथ जिस प्रकार स्प्रे होना चाहिए, जो ग्रैप 2 में भी हो रहा है, कि जहां जहां निर्माणाधीन कार्य हो रहा है वहां पे पानी के फवारे द्वारा स्प्रे होना चाहिए ताकि धूल का उत्सर्जन जमीन से ना हो। सरकार चाह रही है ग्रीन पटाखों को लाना, मैं उसका विरोध करूंगा क्योंकि ग्रीन पटाखों से 10-30% वायु प्रदूषण में कमी आती है, लेकिन उसके अलावा जो प्रदूषण होता है, जो प्रकाश का प्रदूषण है उसमें और जो ध्वनि का प्रदूषण है उसमें कोई वो नहीं है। हमारा जो आध्यात्मिक त्योहार दिवाली है, अगर हम उसमें घी के दिए जलाएं जैसे राम के समय जले थे और आध्यात्मिक अपनी शुद्धि का कार्य करें, वो ज्यादा मेरा आग्रह रहेगा, ना कि हम बच्चों को ये प्रेरणा दें कि वायु को प्रदूषित करने वाले पटाखे जलाए जाए। तो ये सब चीजें सरकार को इस पे चेतना चाहिए। और ये तो सब, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये सब रोग सूचक निवारण है यानी सिम्टोमेटिक क्योर है। जब तक हम जनसंख्या पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने विकास की अवधारणा की रचना ऐसे नहीं करेंगे कि प्रकृति के मूल्यों
को केंद्र में रखकर रची जाए। जब तक हम सिर्फ अपने लिए ना सोचते हुए बल्कि पूरे प्रजातियों के लिए सोचें, क्योंकि ये वायु प्रदूषण बाकी प्रजातियों पे कितना हानिकारक असर डालता है, किस प्रकार पटाखों जलने से जो सड़क पे रहने वाले स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके ऊपर कैसे कुप्रभाव होते हैं, जो प्रवासी पक्षी इस समय भारत में आते हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूरिज्म का अट्रैक्शन भी है, वो सब पे कितना नकारात्मक असर डालता है। इन सब को लेके हमें अपने विकास की अवधारणा की रचना करनी चाहिए, तभी हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। मनु जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा जिस तरीके से सरकार ने पटाखे बैन किए, आप चाहते हैं कि पटाखे जो हरित पटाखे हैं उन्हें चलाने की छूट मिले, क्या ये प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देते? नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार कह रही है कि हरित पटाखों को जलाने की छूट होनी चाहिए। कोर्ट, माफ कीजिएगा, कोर्ट। मैं कहता हूँ, कोर्ट कह रहे हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी उनमें और अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि पटाखों का 10-30% अगर प्रदूषक कम होगा तो लोग हरित पटाखों के नाम पर ज्यादा मात्रा में जलाएंगे और वो नगण्य हो जाएगा जो 10-30% का जो उसमें कमी आ रही है। दूसरा, पटाखों से प्रकाश का प्रदूषण होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है और दूसरी प्रजातियों पे कितना अन्याय होता है। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि पटाखों पर जब तक कि अच्छा अनुसंधान नहीं हो जाता और ये जो प्रदूषण की मात्रा कम से कम 50-70% और डेसिबल में 60-90 डेसिबल तक हम नहीं ला पाते, तब तक पटाखों पर पूरी तरह कंबलीय बैन, जिसे ब्लैंकेट बैन कहते हैं, वो होना चाहिए, कंबलिंग निषेध होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। एक अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप प्रदूषण का जिक्र कर रहे थे, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, संक्षेप में समझना चाहूंगा आपसे कि प्रदूषण कितने प्रकार का है और क्या कुछ हमारे शरीर को नुकसान देता है। देखिये, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जल का भी होता है, वायु का भी होता है, ध्वनि का भी होता है, सॉइल का भी होता है। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारी जो संवेदनशीलता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी आध्यात्मिक तरंग है, उनका प्रदूषण भी होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ वायु प्रदूषण का जिक्र करें तो सबसे भयावह प्रदूषण वायु प्रदूषण है। और अमेरिकन एम्बेसी की भी रिपोर्ट है और कई अन्य रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि भारत में ही हर वर्ष कम से कम 20 से 25 लाख आदमी इसी पर प्रदूषण के कारण काल के गाल में समा जाता है। अब PM2.5, PM1.0 जो प्रदूषक हैं, उनकी वजह से ही हम देखते हैं कि हमारे जो फेफड़ों का प्रतिरक्षा है, जिसे हम लंग की इम्यूनिटी कहते हैं, उस पर अत्यधिक नकारात्मक असर पड़ता है। और खासकर जब इतने खतरनाक कोविड से हम उभर कर आए हैं, अभी हमारे फेफड़े पहले से ही प्रभावित हैं, ऐसे समय में जब हम दोबारा से PM1.0 और PM2.5 को झेलेंगे, तो आने वाले समय के लिए हम अपने लिए एक तरह से बहुत अधिक मात्रा में लोग काल के गाल में समाएंगे। दूसरा, इससे रक्तचाप संबंधित बीमारियां होती हैं, इससे हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, एलर्जीज और एस्थमा जिसे होता है वो बहुत परेशान रहता है। हर समय एक एलर्जी आदमी को लगी रहती है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी यानी उसका पूरा प्रतिरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और साथ ही साथ अन्य प्रजातियों के बारे में हमें सोचना चाहिए, चाहे वो प्राणी जगत हो, चाहे वो वनस्पति जगत हो, हर जगह इसके कुप्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि इस समय का दशहरा आ रहा है, इस समय का अगर कोई असली रावण है तो प्रदूषण का रावण है। वायु प्रदूषण की वजह से ही एसिड रेन भी होती है, वायु प्रदूषण की वजह से ही वो एसिड रेन हमारे जल के स्रोतों में घुसकर जल प्रदूषण भी करती है। तो वायु प्रदूषण इस दशहरे को सबसे बड़ा रावण घोषित होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।